फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, सीन है बीच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको स्किन और ब्राउन कलर का मिक्सचर बताएंगे। मेरे पास पेंट ब्रश नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया, यही एक मिल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपको ये करना है, हम बीच की उसका लाइन बनाएंगे। क्योंकि आपको मोटा पेंट ब्रश लेना है, पतला लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपको इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर करना है, क्योंकि बीच में जो पानी लहरता है वो भी तो दिखाना है ना। अच्छे से आपको आपको इस तरह अच्छे से करना है। देखिए, इसी तरह करते करते आपको ब्लर नीचे तक ले जाना है, इसी तरह सेम टू सेम। फ्रेंड्स देखिए, अभी देखिए इतना बन गया है, ये देखिए यहाँ तक पूरा टोटल हो गया है। अभी हम ब्लू कलर से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमको सी बनाना है। देखिए, अब आपको ब्लू कलर लेना है, हल्का सा उसमें पानी मिलाना है, उसके बाद ऊपर से कर लेना है, थोड़ा सा और पानी मिलाना है अच्छे लुक के लिए। यहाँ से जोड़ देंगे, थोड़ा सा कलर ले रहा हूँ। देखिए, टोटल यहाँ पर आपको कर देना है। अब ये वो सोचेगा बड़ा बेकार है, बाद में इसका लुक बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो स्टार्स बनेंगे और लून बनेगा उससे, और जो ट्री बनेगा, ये रात का सीन है। तो वैसे देखिए, अगर आपको यहाँ पर हमने डार्क कलर किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का कलर करना है, ताकि क्योंकि लुक आता है ना, जैसे यहाँ पर पास है वहाँ पर बहुत दूर है, तो ऐसे आता है। पास में जो चीज़ रहती है वो डार्क दिखती है, जो दूर में वो ड्राइंग पे हल्का बनाना चाहिए, तभी अच्छा लुक मिलता है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा करके दिखाता हूँ, अभी पूरे तो आपको हल्का हल्का ही कलर चलाना है। मैंने इस तरह पेंट ब्रश को लगाया क्योंकि इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप जैसा चाहे उसको बोल सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी सीन टोटल यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। उसका जो यहाँ पर स्पेस छूटी है, यहाँ पर हम स्काई बनाएंगे। चलिए स्काई बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, अभी यहाँ पर हमें स्काई बनानी है। तो ब्लैक कलर दिख रहा है, लेकिन बाद में इसको अभी ब्लू कलर से ऊपर से शाइन दे रही है। वो इस पर मैंने ब्लू और ब्लैक मिक्स किया है, तब पर भी काला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी ऊपर से ब्लू कलर के शेल ला दूंगा। तो मैं टोटल यहाँ तक करके आपको बताता हूँ। गो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्लैक कलर हो गया टोटल, उसके बाद अभी हमें यहाँ पर ब्लू कलर से बनाना है। चलिए देखिए, मैं बना जा रहा हूँ। हमको थोड़ा ब्लू कलर लेके उस पर पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाइए, उसके बाद ऊपर से ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे करके ज़्यादा डार्क ब्लू कलर नहीं करना है, वैसे ब्लैक कलर के सामने ब्लू कलर छिप ही जाएगा। इसी तरह आपको पूरा टोटल यहाँ तक करना है। फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको ब्लू कलर लेना है और उस पर थोड़ा सा व्हाइट लेकर करना है, तो ऐसे 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 नीचे तक हल्का सा। जी, अब पानी मिला के कर दे रहा हूँ।
इसको और अच्छे से। देखिए ऐसे करके करने से बालों की शाइन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स अभी देखिए अभी हम मून बनाएंगे। मून यहाँ पर बनेगा छोटा सा, मैं पूरा मून आपको ऐसे आपको सर्कल बनाना है और मैं अच्छे से बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स देखिए हमारा मून बन गया है। उसके बाद हम चलेंगे स्टार्स बनाने। स्टार्स बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है बताता हूँ। वाइट कलर लेना है और उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाना है ताकि अच्छे से वो उभरे। देखिए मैं ले लिया वाइट कलर, उसके बाद आपको हाथ से ऐसे ऐसे करना है। इस तरह हमारे स्टार्स बन जाएंगे, आपको अच्छे से कर देना है पूरी जगह। देखिए हमारा स्टार्स बन गया है, स्टार्स से लुक अच्छा हो गया है, लेकिन अभी ड्राइंग खत्म नहीं हुई है। अभी हमें ट्री बनाना है। ट्री बनाने के लिए आपको ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर मैंने ले लिया है, इस पर ब्लैक कलर और बहुत हल्का पानी मिलाना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको ले लिए, उसके बाद आपको यहाँ से ट्री की जड़ ऐसे कर दीजिए, थोड़ा फैला दीजिए ट्री को और फिर से ऊपर की तरफ ले जाइए। ये ऐसे मैं दिखाता हूँ पूरा बना के। ये देखिए अगर आपको ट्री की अलग अलग डालियाँ बनानी है ऐसे, फिर हमारी पेंटिंग इसी तरह में कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए हमारा ट्री बन गया है। उसके बाद हमें एक और चीज़ करना है, फिर से ब्लैक कलर दिए, हल्का से पानी मिला के यहाँ पर आपको कुछ पत्थर बना देने हैं बगल बगल पे ऐसे ऐसे। पत्थर लग ही रहा है, मैं इसको ये ट्री की जड़ बना देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये बन गई हमारी पेंटिंग, बड़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके गुड बाय।